का जो लोकतंत्र है और इस देश का जो संविधान है उसको किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। ये अभी का जो बीजेपी सरकार है, ये मैं शायद आप सभी को पता होगा, इस बात से कोई दोहरापन नहीं है कि डबल मीनिंग नहीं है कि आज किस प्रकार का इस एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो पब्लिक एजुकेशन जो सिस्टम है, जो सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म किया जा रहा है, और जो प्राइवेट कंपनी के साथ है, जो पूंजीपति के हाथों में जो शिक्षा व्यवस्था को बेचा जा रहा है। अभी जैसा जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक मूवमेंट हुआ, अभी ये जो RSS का जो अपॉइंटी है, जो वाइस चांसलर है, वो रिपोर्ट लेके आता है कि यूनिवर्सिटी में जो है फी को बढ़ाया जाएगा, और उसी के बेसिस पे हम रोज प्रदर्शन करते हैं। आज से तीस से ज्यादा दिन हो चुका है, सरकार हमारा बात को मानने में अभी भी तैयार नहीं है, और उसी के बेसिस में जब देखेंगे कि हम बापसा की तरफ से भी इस मूवमेंट में एक्टिव हैं, तो जब मेरा जो फोटो है बहुत वायरल हुआ, और उसके तहत आज का जो सरकार है वो क्या करता है, मेरे घर में पुलिस भेजता है मुझे इंटीमिडेट करने के लिए, और मुझे इंटीमिडेट करने के मुझे पहला 23 तारीख को एक बार पुलिस भेजता है, और परसों एक बार फिर से भेजता है पुलिस, मेरे घर में पुलिस भेजा जाता है, मेरा फैमिली के बारे में इंक्वायरी किया जाता है और भेजा जाता है। तो आज का जो अंबेडकरवादी जो आंदोलन जो लोग कर रहा है, जो लोकतंत्र को बचाने का जो आज बात कर रहा है, आवाज उठा रहा है, उसी जो आवाज को खत्म करने का जो ये जो सरकार का जो एक रवैया रहा है, और ये सरकार उसी में लोगों को जो एक्टिविस्ट है जो आंदोलन कर रहे हैं उसी लोगों को फंसाना चाहता है, और इसी के तहत आज देखेंगे कि मेरे घर में जाके पुलिस बार बार आता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आज जो हायर एजुकेशन में जो शिक्षा व्यवस्था में एक आंदोलन छेड़ा हुआ है, और ये जो आंदोलन है ये कोई पुराना आंदोलन नहीं है। अगर मंडल कमीशन के बाद देखेंगे तो रिजर्वेशन जो पॉलिसी लाता है, मंडल कमीशन के बाद एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होता है, और जो ओबीसी जो समुदाय से लाल चिली जो शिक्षा व्यवस्था में हायर एजुकेशन में आते हैं, और जिसके तहत आज अगर देखेंगे तो जो बहुजन तबका है, जो SC ST ओबीसी और जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी से जो स्टूडेंट आता है वो शिक्षा व्यवस्था में आता है, और उसके साथ क्या होता है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो है ही, ये जो शिक्षा व्यवस्था में भी वो दिखने को मिलता है। और इसके तहत हम जो है यूनिवर्सिटी जो स्पेसेस में जो हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो दलित बैकग्राउंड से आए, जो आदिवासी बैकग्राउंड से आए, मुस्लिम समुदाय से आए, या आदिवासी समुदाय से, ओबीसी समुदाय से आए, तो उनका आवाज है जो शिक्षा व्यवस्था में वो एक आवाज बुलंद किया है। अभी देखेंगे जब रोहित बेमुला का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, एक दलित स्टूडेंट जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसको मर्डर किया जाता है, और उसको क्यों मर्डर किया जाता है, जो रोहित बेमुला था वो जो बहुजन एकता का बात कर रहा था, और वो यूनिवर्सिटी में जो दलित मुस्लिम एकता का बात कर रहा था, बहुजन एकता का बात कर रहा था, और जो सरकार था और जो सरकार है उसी से वो डर है, और ये जो आज का जो सरकार है हमारा एकता जो बहुजन एकता जो है उसी से डर रहा है, और इसी का डर के वजह से जो रोहित वेमुला जैसा जो छात्र है उसको इंस्टीट्यूशनली मर्डर किया जाता है, सिस्टमेटिकली उसको टारगेट किया जाता है, और रोहित वेमुला के बाद जो हैदराबाद में हुआ उसके बाद स्टॉप नहीं रहा, वहां पे बंद नहीं होता है इंस्टीट्यूशनल मर्डर। और देखेंगे अभी मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ, पायल तरवीजे जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आती थी उसको भी इंस्टीट्यूशनली, और वो एक जो मेडिकल स्टूडेंट था, और वो उसी स्टूडेंट को उसका जाति के नाम पे बार बार हैरेस किया जाता है, और उसका समुदाय के नाम पे बार बार हैरेस किया जाता है, जो अपर कास्ट जो प्रोफेसर है, अपर कास्ट जो डॉक्टर है उसको बार बार हैरेस किया जाता है, और वो उसको भी फोर्स किया जाता है वो सुसाइड करने में। और उसके बाद अभी अगर देखेंगे तो रिसेंटली जो तमिलनाडु में एक इंसिडेंट होता है, एक मुस्लिम स्टूडेंट फातिमा लतीफ नाम का एक मुस्लिम स्टूडेंट को हैरेस किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, जिसके वजह से उसको भी एक फोर्सफुली उसको मर्डर किया जाता है, उसको भी सुसाइड करने होने में मजबूर किया जाता है। तो आखिरकार क्या हो रहा है, हम अगर देखेंगे तो हमारे जो लोगों को जो हजारों सालों से जो शिक्षा व्यवस्था से दूर किया गया है, और जब हम जब अभी अपना जो संविधान में जो हमको हक मिला, जो इक्वालिटी का हक मिला है, जो लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो हक मिला है, जब हम वही हक का जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अधिकार हम ले रहे हैं, और अपने जो जीवन में जीवन
जीवनचर्या में उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तभी जाके इनका जो जातिवादी जो मानसिकता है वो सह नहीं पा रहा, उनका जो मनुवादी जो सोच है वो सह नहीं पा रहा, और हमको बार बार उसी अपने जाति के चाहे जाति के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हमको इंटिमिडेट किया जाता है और हमको हैरेस किया जाता है और हमको मर्डर किया जाता है। और देखेंगे और ये जो पूरा प्रोसेस है इसका एक अगर देखेंगे तो इस देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, बाबा साहेब बोले थे 1927 में, बाबा साहेब बोलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का क्या उद्देश्य होना चाहिए। बाबा साहेब लिखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो समाज का जो रूढ़िवादी जो परंपरा है, समाज का जो असमानता से भरपूर जो परंपरा है, संस्कृति है, सिस्टम है, उसको बदलने का काम करेगा शिक्षा व्यवस्था। लेकिन जो हमारा जब भारत जब स्वाधीनता होता है तो किस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू होता है, इस देश को इस देश से जो जाति 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 विहीन एक समाज जो गठन करने का लिए एक जो शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए था वो शिक्षा व्यवस्था नहीं होता है। जो हमारा जो बहुजन जो समाज से लोग आता है वही सपना देख के आता है कि जब मैं एक यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो अपना समाज का बात रखूंगा, अपने समाज के ऊपर रिसर्च करूंगा, जो असमानता हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च करूंगा और उसको बदलने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ पे जब हम जाते हैं तो जो डिफरेंट तरीके से जो एक्सक्लूजन होता है हमको, ये आज का जो बीजेपी सरकार बात करता है समरसता का बात, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि ये किस प्रकार का समरसता है जब आप लार्जली एससी ओबीसी कम्युनिटी को आप एजुकेशन सिस्टम से ही बाहर कर देना चाहते हैं, आप जो पब्लिक जो फंडेड इंस्टीट्यूशन है उसको बंद कर देना चाहते हैं, आप रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म कर देना चाहते हैं, तो किस प्रकार का समरसता का बात है। तो आज का जो ये बीजेपी जो सरकार का जो नीति है, हम जैसे जो दबे कुचले जो समाज है, जो बहुजन जो समाज है, जो मेजोरिटी जो समाज है, उसको ही रूट से खत्म कर देना चाहते हैं। आखिर अगर शिक्षा का एक जो नियम है, हमारा जो अंबेडकरवादी आंदोलन में एक हमारा एक नारा होता है और वो नारा क्या है, जो एजुकेट एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज, बाबा साहेब ये मंत्र हमको दिए। और एजुकेट जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ हम पढ़ के बैठ नहीं जाते हैं, अगर हम सिर्फ पढ़े लिखे होके हमने एक पीएससी डिग्री हासिल कर लिया, एक मंत्री बन गए, एक डॉक्टर बन गया और हम चुपचाप अपने घर में बैठ गए, अपना परिवार के साथ खुश होके घर में बैठ गए, तो उस शिक्षा व्यवस्था का और उस शिक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे कोई महत्व ही नहीं है। अगर हम शिक्षा लेके पीएचडी डिग्री लेके हम उसी समाज के पास जाके वो समाज को परिवर्तन करने का अगर मानता नहीं रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। अगर अंबेडकर अगर आंदोलन में देखेंगे तो यही है एक महत्व है कि शिक्षा व्यवस्था एक लिबरेशन है, एजुकेशन हमारे लिए एक लिबरेशन है, इमांसिपेशन है। हम जो एक जाति व्यवस्था का जो एक हमको एक बांधा गया असमानता में उसके खिलाफ लड़ने का एक वेपन देता है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो जेल में अभी एक पीआई हुआ है और पीआई के साथ साथ एक रिजर्वेशन पॉलिसी जो एससी ओबीसी स्टूडेंट को रिजर्वेशन था कि हॉस्टल एडमिशन में, उसको भी खत्म किया है। तो अभी हमारा जो एक सोशल जस्टिस पार्टी है उसका भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और जब हम एक स्टूडेंट है टीचर है, हमारा जो टीचर है उन लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आज अगर जैसा रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लागू होता है और जो एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था है कि ब्राह्मणीकरण जो है, एक ब्राह्मणाइजेशन है एजुकेशन सिस्टम को, उसको कैसे तोड़ा जाए, यह हमारा समाज को सोचने का जरूरत है। अभी जो एक सिस्टम है, अभी जो ये गवर्नमेंट जो मिनिमम जो हमारे लिए जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी खत्म करना चाहता है, तो जो हमारा जो बहुजन जो समाज के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने का जरूरत है, और ये जो शिक्षा व्यवस्था को कैसे डिब्राह्मणाइज किया जाए और उसको कैसे हमारे जो एससी ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो प्रोफेसर भी है उनको कैसे उनका जो रिजर्वेशन वहां पे कैसे फुलफिलमेंट हो, अगर इसका एक इम्पोर्टेंस इसलिए भी है देखेंगे तो मेजोरिटी जो टीचर होगा जो ये हायर एजुकेशन में ये कौन होता है, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मेजोरिटी जो यहाँ पे जो हायर एजुकेशन में होगा तो यहाँ पे जो है जो ब्राह्मण बनिया इसी कम्युनिटी से ज्यादा टीचर होता है, जिसके तहत क्या होता है जो हमारा स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए जाता है तो उनके स्टाइल में पढ़ाएगा, और जब हम जो SC ST कम्युनिटी जो स्टूडेंट का जब सवाल पूछेंगे तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे साथ हैरेसमेंट होता है। इसीलिए जो अगर ये पूरे हमारा जो अगर टीचर होगा तो हमारा जो स्टूडेंट है उसको सपोर्ट करने का जरूरत है, और जो पॉलिटिकल पार्टी भी है हमारा तो ये कैसे शिक्षा व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक किया जाए उसके ऊपर मैं बात करने का जरूरत है। हाँ, तो जैसा कि अभी हमारे साथी बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, और मैं
इसी में मैं बोलना चाहता कि जो तीन चार पॉइंट की कैसे हम तीन एजेंडा हमारा जो अभी का मूवमेंट में करने का जरूरत है, एक पहला तो है कि डिब्रामिनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और डिब्रामिनाइजेशन मैं जब बोल रहा हूँ तो इसमें यह बोल रहा हूँ कि जो एक जो हम करिकुलम है और पेडागोजी है उसको किस प्रकार से लोकतांत्रिक किया जाए जो लोकतांत्रिक नहीं है, और वो मोस्टली जब हम पढ़ते हैं तो एक ब्रांडाइजेशन हुआ है शिक्षा व्यवस्था को, उसको किस प्रकार से लोकतांत्रिक आप करेंगे। और दूसरा जो है कि आप ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला जो सवाल है, कैसे एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी जो जो कम्युनिटी से जो है टीचिंग पोस्ट में आप कैसे आप उनको कैसे लाया जाए ताकि जो 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 कल्चर है जो डेमोक्रेटाइजेशन का कल्चर है वो है। और एक भी और एक जो है कि रोहित बेमला का इंस्टीट्यूशनल मॉडल के बाद रोहित एक्ट का बात हुआ, और रोहित एक्ट का बात क्या है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको अगर आपको खत्म करना है तो एक रोहित एक्ट नाम का एक एक्ट प्रपोज किया गया था जिसके तहत जो भी प्रोफेसर या जो भी स्टूडेंट हमारे जो जो स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, और जो 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 अपर कास्ट प्रोफेसर है उनको भी एक सेंसिटाइजेशन करा जाएगा ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, और जो जो प्रोफेसर डिस्क्रिमिनेशन करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो एक मुद्दा है आज का जो हमारा जो अम्बेडकर जो आंदोलन है, शिक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये आज का जो पॉलिटिक्स में है, आज का जो हमारा जो राजनीतिक जो सिस्टम है उसमें बहुत ही कम उसका बात हो रहा है। तो ये आज का जो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो वीएसपी हो एसपी हो और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे जो सोशल जस्टिस का बात करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को ये शिक्षा को बहुत ही इम्पोर्टेंस देके लाइक इम्पोर्टेंस देने का जरूरत है ताकि हमारा जो एक फ्यूचर जो लीडर है, हमारा जो कम्युनिटी का जो लीडरशिप करने वाला जो लोग आएगा वो पैदा होगा एजुकेशन सिस्टम से। आप अगर एजुकेशन नहीं देंगे हमारा जो समुदाय को, तो ना आपके पास डॉक्टर होगा, ना आपके पास टीचर होगा, ना आपके पास लीडर होगा, ना आपका फ्यूचर लीडर होगा जो इस देश को रूल करने के लिए सक्षम होगा। तो इसी के साथ अपना जो भाषण है खत्म करना चाहूँगा। फिर से हम बादशाह की तरफ से हम जो आंदोलन जारी रखे हैं हर एक यूनिवर्सिटी में हम अपना जो एक शिक्षा को कैसे एक लोकतांत्रिक किया जाए उसके उसको लेके हम सक्षम हैं। और इसी के साथ मैं अब एक नारा के साथ हमारा जो बादशाह का नारा है उसके साथ मैं ही खत्म करना चाहूँगा अपना इसी शब्द को। अरे जय 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 भीम, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।